नमस्ते सभी को। तो कैसे हैं आप सब? होप करते हैं सब बढ़िया होंगे। तो आज का वो ब्लॉग हमने स्टार्ट करा है भाई रोड पे से। भाई हम रोड पे रहने वाले बंदे तो रोड से स्टार्ट कर रहे हैं। और फिर हल्का फुल्का ट्रैफिक है भाई। आज नवरात्रि का लास्ट डे है। तो ये देखो भाई, ऑफ रोडिंग प्लस रॉन्ग साइड कॉफी बंदे। तो भाई आज नवरात्रि का लास्ट डे है तो मैंने सोचा यार ब्लॉग बना लेता हूँ पूरा भाई मेरे ना पूरे नवरात्र। और इसको देखो भाई साहब, ये चोमन चोमू कैब वाला गाली सुनने के काम कर रहा पूरे पूरे। तो जो मैं बता रहा था ना भाई, इतने दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं आया क्योंकि घर में हो रहा है रेनोवेशन का काम। पूरे नवरात्र रेनोवेशन का काम चल रहा है और हम व्रत वगैरह रखते नहीं हैं। जो रखते हैं अच्छी बात है यार, बट हम रखते नहीं हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाँ भाई रेनोवेशन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है। दोनों घरों का, छतों का, मतलब दोनों रूमों का और छतों का, तो उसकी वजह से उनके साथ लगना पड़ रहा है। तो उस चक्कर में ना मैं जा नहीं पा रहा और सामान वगैरह उठा के देना पड़ रहा है, सब चेक करना पड़ रहा है, सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है, ये सब देखना पड़ रहा है। इसी वजह से मैं ब्लॉक पर नहीं जा रहा। बट आज इनका फाइनली काम ऑलमोस्ट हो चुका है तो मैंने सोचा कि ना आज ब्लॉग भी बना लूं और बता भी दूं। नवरात्रि वगैरह भी चल रहे हैं, वैसे सबको पता ही है यार, मैं क्या बताऊं। मैं तो ये बता रहा हूं कि हाँ हमारा काम चल रहा है, ये बताने जा रहा था, ठीक है। ये नहीं बोल रहा कि नवरात्रि चल रही है, ये बता दूं, ठीक है। तो यही था भाई रीज़न क्यों नहीं करा पा रहा था, नहीं आ रहे थे ब्लॉग मेरे, करा पा रहा था यार, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो भाई देखा एंटॉर्क सिग्नल प्रॉब्लम इंडिकेटर, मतलब वही मैं भी बहुत भूलने लगा हूँ आजकल। तो भाई इंडिकेटर ऑन करके भूल जाता हूँ। राइट साइड मुड़ा था तो राइट साइड का कुछ टाइम तक चलता रहता है, जब तक मेरी मीटर पे नज़र नहीं पहुँचती ना, जब तक चलता रहता है। वैसे मैं बटन दबाता हूँ यार, यहाँ पर चल रहा भंडारा, तो वैसे मैं बटन दबाता हूँ बट ना वो प्रॉपर दबता नहीं है बटन, तो उसकी वजह से हैंडटॉक वाला भी निकालने की भाई कोशिश कर रहा था, बट अपनी थोड़ी हैवी वाली है बातचीत, तो अपन पहले निकल गए। उसने भी स्पीड दी थी कम, लेकिन उससे पहले मैंने घर करके निकाल दिया। तो और ये सामने देखो तीन दोस्त एक साथ विदाउट हेलमेट, यो फुल ऑन स्वैग, देख रहे हो भाई, देख रहे हो बातचीत, देख रहे हो तीनों की, तीनों भाई बीच वाला तो कुछ ज़्यादा छोटा लग रहा है मुझे। छोड़ो हमें क्या करना भाई, इंजॉय करने दो उन्हें। नवरात्र है, कोई रोकेगा टोकेगा ज़रूर रोकेगा अगर मिल गया तो। भाई ऐसा नहीं कि नवरात्रों में कोई रोकता नहीं है, त्योहारों पे तो स्पेशली रोकते हैं। ये देखो अंकल रॉन्ग साइड गए, तो एक बार मैं ये भी यहाँ से रॉन्ग साइड गया था क्योंकि यार यहाँ से आगे घुमा के लाना पड़ती है पूरा, बट ये थोड़ा सा है पीछे बैग जाके दोबारा कट अगर उन्हें उस साइड जाना हो तो, ठीक है। और ये फुल ब्रेजा वाला भगाते हुए भाई देख रहे हो कितनी तेज भगाते हुए था, और हम भी देख रहे हो कटिंग, देख रहे हो कटिंग कटे जाती है ऐसी कटिंग में भी अगर हल्की सी मिस्टेक हुई तो बूम बाम हो जाता है। तो भाई ध्यान से करना करो भाई, ऐसी हरकतें करो तो कंट्रोल में किया करो, वैसे तो मत ही किया करो। मैं भी नहीं करना चाह रहा था, बस ऐसे ही निकल गया भाई हल्का फुल्का, भावनाओं में बह जाता हूँ कभी कभी, उसके अलावा तो मैं ऐसी हरकतें कभी नहीं करता। नॉर्मल राइड रहती है अपनी, ठीक है। और जो बकौले चलते हैं वो चलते रहते हैं, अनमन का टोला वगैरह सब चलता रहता है मनमन में। और ये भाई नमूना भाई वहाँ से ला सकता था पूरे उस साइड जाके, बट कोई बात नहीं, डिवाइडर में कोई ना कोई टूटेगा। ये भाई समझदार बंदा हाथ लेके निकल रहा है, वरना कोई होता है ऑटो वाले सुम निकाल देते हैं, ये नहीं देखते पीछे से भी आ रहा है, इससे पता तो चल जाएगा बंदा रुकेगा रुकेगा। कुछ ऑटो वाले तो भाई नमूने, तो भाई जैसे जो बोता रहा था ना, बोता रहा था वो ही बोताऊँगा मैं। अब मैं जा रहा हूँ भाई वॉशिंग के लिए, आज है भाई बाइक वॉशिंग का ब्लॉग, ठीक है। बट क्या ब्लॉग, और भाई ये देख रही हो नया नया ऑफिस बना है, नई नई गवर्नमेंट बिल्डिंग भाई, खास इस गवर्नमेंट बिल्डिंग में दो तीन बिल्डिंग है हमारी भी होती है, अलग ही स्वैग आता इतने बड़े एरिया में। फुल थॉट्स से भाई, फुल थॉट्स से बैठे रहते आ रहा है भाई, किराया आ रहा है 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख, फुल किराए पे चलते अपन, किराए का रेंट उठाते, पैसा छापते रहते बैठे बैठे और ब्लॉगिंग करते रहते। हेलो गाइस, भाई आजकल तो भाई पेट्रोल पंप वाले भी भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं। गाइस आज मतलब ओनर के बेटा होता है जो भी हो, सीईओ ओनर,
पेट्रोल पंप खोल लेंगे भाई, उससे ब्लॉग कर रहे हैं भाई। मैंने देखा एक दो ब्लॉगर को पेट्रोल पंप, मतलब रील्स में देखा, वो आया था ना, तो उसमें भाई डॉगी को ले लेंगे व्यूज़ के लिए, उसके साथ का जो डॉगी वगैरह रहते हैं उसके ऊपर बनाते रहेंगे वीडियो, पेट्रोल पंप दिखाएंगे। आज हमारी इतनी मतलब बिक्री तो नहीं बताते, एक प्राइस बस, कैसा गया दिन आज का ये बताएंगे भाई। मेट्रो उसमें पेट्रोल पंप वालों का पैसा भाई, मतलब हर जगह से भी उन्हें पैसे ही पैसे चाहिए, पेट्रोल पंप खोलने के लिए भी पैसा चाहिए जो उनके पास पहले से ही है भाई। जो मालदार है उन्हें क्यों मालदार करना, जैसे गरीबों को मालदार करो ना भाई यार। तो भाई बकचोदी करते करते, मतलब बातें करते करते हम पहुँच चुके हैं अपनी जगह जहाँ हमें वॉशिंग करानी है। यहाँ पर हम ढूंढेंगे दुकान, उसके बाद हम डाल देंगे सिनेमैटिक्स, तो आप इंजॉय करना सिनेमैटिक्स। क्या हो गया उसे? मेरी तो मतलब अच्छी खासी चल गई थी, बस ये है ना कि बंदे को नॉलेज नहीं होता है तो चैनल डूब जाता है। अच्छा, इतना नॉलेज नहीं था यूट्यूब का, यूट्यूब पे मेरी दो तीन वीडियो चल गई थी। अच्छा। लेकिन ना मैंने ना गाने कुछ ऐसी क्लिप गाने की, अच्छा कॉपीराइट आ गया होगा, वो चैनल ही डिलीट हो गया। अरे भाई मैं तो भाई पहले से देख के चल रहा हूँ, कोई गाना नहीं लगाता मैं। मैं अपना रोज वो भाई मिस्टर सैनी एमबी भाई, चैनल डिलीट हो गया भाई इसके। भाई मैं लगा था 3 वीडियो में है 250 या फिर 150 है ये वाली, 150 में ये कलर ही नहीं आता। ये वाला भाई तुम्हारा किस नाम से था भाई, अब चलाते हो ZR15? तो क्या वो स्ट्राइक हट गई नहीं हटी, चैनल डिलीट हो गई? अच्छा चैनल डिलीट कर दिया उन्होंने 3 स्ट्राइक के बाद। मेरे को भी ना पता एक कॉपीराइट आया था, बट वो कॉपीराइट नहीं था, वो बस नाम था कि हाँ कॉपीराइट, आप जो गाना यूज़ कर रहे हो वो कॉपीराइट के अंदर है। मैं ना उसी समय वो मीम्स भी यूज़ कर लिया था और थोड़ी। अच्छा अरे भाई कोई बात नहीं, दूसरा चैनल लगा लो ना भाई अब तो। चलो भाई मिलते हैं भाई। अनएक्सपेक्टेडली एक नया सब्सक्राइबर मिल चुका है हमें, होपफुली भाई अच्छा करे। अपना भाई का भी यूट्यूब चैनल है, आई थिंक रेड R15 करके है, ठीक है। तो भाई का जो है ना चैनल जो है डिलीट करवा दिया था यूट्यूब ने, स्ट्राइक 3 स्ट्राइक पड़ी थी भाई को, पता नहीं था जैसा आपने सुना होगा। तो भाई यार इसलिए मैं तो भाई ऐसे ना गाने वाने डालता नहीं हूँ, जो बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है ना मेरा, तो वो भी मैं बहुत सोच समझ के करता हूँ यार, मुझे पता है भाई कभी भी तो कॉपीराइट का यार रहता है सीन हमेशा। और मेरे को पता है जब मैंने ये वाला बैकग्राउंड म्यूजिक डाला था तो मेरे को एक कॉपीराइट के वो आया था टर्म एंड कंडीशन, तो उसमें लिखा था आपका जो है बैकग्राउंड म्यूजिक कॉपीराइट के अंदर नहीं आता है, मतलब कॉपीराइट इशू कोई नहीं होगा इसमें, आप यूज़ कर सकते हो। वरना मुझे लगा भाई कॉपीराइट तो नहीं मारी किसी ने,
तो भाई इसी चीज़ का डर था वो, इसलिए भाई बाइक है ऊपर तीन स्ट्राइकें पड़ी। भाई ने ना देखा नहीं होगा मेल वेल कॉपीराइट की, जब टर्मिनेट हो बट मतलब टर्मिनेट हो गया होगा ना तो पता चला भाई को कि हाँ कॉपीराइट भी नाम की चीज़ होती है। तो भाई के साथ हो गया सीन। मैंने तो सजेस्ट कराया नया चैनल खोल लो अगर आपको करना है तो, भाई की R15 है, कभी ना कभी निकाल लिया करेंगे भाई उनके साथ ब्लॉग वगैरह अगर होपफुली टच में मिल ले रहे तो। और एम्बुलेंस अभी भाई कोई है नहीं शायद इसमें तो। हाँ जैसे मैं बता रहा था भाई बहुत सीन रहते हैं यूट्यूब के भी। और यार एक तो ये मेरा चैनल ना भाई मोनिटाइज नहीं हो रहा, बहुत ही दिक्कत आ रही है मेरे को। जल्दी से जल्दी मोनिटाइज करवाओ, मतलब शेयर करवाओ भाई, वीडियोस को शेयर करो जितना हो सके उतना देखा करो, घर वालों के फ़ोन से सब्सक्राइब करवा दो चैनल को, उनकी फ़ोनों से वीडियो देखा करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियो पब्लिक देखेगी ना उतना मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा तो जल्दी मोनिटाइज होगा यार। तो यार होप करता हूँ सब हेल्प करोगे मोनिटाइज करवाने में, तो सब्सक्राइब करो यार चैनल को और करवाओ दूसरों से भी, दोस्तों से भी। अब मैं तो यही बोल सकता हूँ ना यार कि मैं पास सबके पास आके तो ये नहीं बोलूँगा ना सब्सक्राइब करो, बहुत यार करते भी हैं ऐसे पता है। और जो मैं बता रहा था ना कि मोनेटाइज करना है अपना, तो खुली यार तुम्हारी मदद से, तुम लोगों की मदद से जल्दी हो जाए मोनेटाइज, कुछ अर्निंग होने लगे। मोनेटाइजेशन के बाद ही मुझे अर्निंग मिलती है, मतलब किसी को भी मुझे क्या, जो भी चैनल्स हैं ना मोनेटाइज होंगे तभी उन्हें अर्निंग मिलना स्टार्ट होती है, वरना हमें कुछ नहीं मिलता, ढिल्ला मिल रहा है अभी तो फिलहाल। मुझे टुल्लू बाबा जी का टुल्लू मिल रहा है मेरे को मेरे हाथों में वीडियो डालते समय और डालने के बाद भी, बट कोई ना कभी एक ना एक दिन तो आएगा मोनेटाइज करवा दोगे तो हो जाएगा अपना सीन। तो भाई यही था, जब तक आप किसी का चैनल को मोनेटाइज नहीं करते ना तो अर्निंग नहीं होती है। तो मेरे को तो अभी ज़ीरो अर्निंग है, सच बता रहा हूँ मैं, मेरा जब तक मोनेटाइज नहीं होगा मुझे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यार करवा देना जल्द से जल्द। और इस टॉपिक पे अब और कुछ बात नहीं करेंगे क्योंकि आज ज़्यादा रोना अच्छी बात नहीं है, रोना और ख़ासकर स्ट्रॉन्ग लोगों को, जो कि मैं नहीं हूँ स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आई एम रियली काइंड पर्सन। और हाँ अभी बताता हूँ भाई, वो वॉशिंग की दुकान पे ना भाई एक बच्चा भी काम कर रहा था, तो मैंने सोचा यार उसको मैं अलग से पैसे दिया यार, ये नहीं बताऊँगा कितने दिए, ठीक है ना, क्योंकि तुम्हें पता है मैं ज़्यादा दूंगा भी नहीं, तो मैं नहीं बता सकता कितने दिए कितने नहीं। बट हाँ जो वॉशिंग के थे उस बंदे को, दुकान पे वाले को मैंने उसे दे दिया अलग से वॉशिंग के, और बच्चे को थोड़े से अलग से दे दिए, ठीक है। और भाई ये गड्ढे गुड्ढे भाई, तो यार देखो अब मैंने वो कैमरे में नहीं लिया, मैं क्यों लूँगा यार ऐसी चीज़ें कैमरे में, वरना सिंपति वाली वीडियो बनेगी फिर मेरे ऊपर, सिंपति गेन थोड़ा सा स्ट्रेच मिलते हुए। वह बच्चा हो गया होगा वो खुश, ज़्यादा बड़ा नहीं था यार उसका, मैंने पूछा, कह रहा मेरा मन नहीं करता पढ़ाई करने, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं कह रहा नहीं भाई मैं पढ़ाई नहीं करता, मैंने पूछा था पढ़ाई वढ़ाई करते भाई तुम, बच्चे से बाबू से ज़्यादा, बहुत छोटा था यार वो होगा 9 साल के आसपास का, 9 या 10 का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, स्कूल की मतलब 5th वाली क्लास में जितने साल के होते हैं ना, 5th 4th उस टाइप का, 5th 4th 6th तक के इसी क्लास में होता वो अगर पढ़ रहा होता तो। तो ये देखो भाई एंटी, और हाँ नवरात्र ख़त्म हो चुके हैं भाई आज, आई थिंक आज ही लास्ट है, नवी है और अष्टमी है दोनों एक साथ बढ़ी कल, ठीक है। तो भाई वॉशिंग की भी सिनेमेटिक्स कैसे लगे बताना, के जो मैंने सिनेमेटिक्स वगैरह डाले हैं ना उसका कमेंट करना, अच्छे लग रहे हैं कुछ और अच्छे एडिट करके डाल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यार मैं ना उतना अच्छे एडिटिंग मतलब मैं तो खुद ही करता हूँ सारी चीज़ें एडिट, और भाई देखो ये पूरा रोड गया था कई साइड, और इन चमन चमों को देखो अलग ही ड्रामे चलते हैं इनके भाई, अपोजिट में भी ला के कार के भी साइड में ला रहा है, यूनिक सामने वाले को तो जगह दे, और यहाँ VIP भाई VIP भंडारा होता है इधर, पूरा सीट वीटे से चेयर वेयर लगा के टेबल वेबल लगा के सब खिलाया जा रहा है भंडारा, जैसे OP भाई OP पहला भंडारा देखा भाई मैंने बनवा के, सब तो कतारें लगती हैं लाइनें उसमें मिलता है। तो भाई वॉशिंग के बाद अपनी गाड़ी हो चुकी चमक चुकी है एकदम, चिकनी चमेली बन चुकी है,
ठीक है, और कोई भी छेल छबेला इस पर नज़र ना मारे कृपया करके। और जो मैं बता रहा था ना, हाँ तो भाई यही था आज का ब्लॉग अपना। तो भाई अगले ब्लॉग में देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, और थोड़ा लेट लेट आएंगे क्योंकि मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो उतना डेली टू डेली अपडेट नहीं डाल पाऊँगा। तो यार जब तक के लिए सेफ राइड, ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।